हाय गाइस, वेलकम टू महाराष्ट्र बीएड सीटी 2023 मॉक टेस्ट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी प्रिपरेशन पार्ट, कैसे आपको वर्कआउट करना है, फेज वाइज प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए आपका, सेक्शन वाइज कितना टाइम देना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। आज का वीडियो है इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट को लेकर एंड मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टू दी बीटीटीसी कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज और एनी अदर कॉलेजेस, तो आउट ऑफ 100 इन बीएड सीटी अपने को 70-75 प्लस का स्कोर लेके आना पड़ेगा, और इंग्लिश मीडियम कॉलेज के लिए जा रहे हो तो 50 में से 40-45 के आसपास का स्कोर। ठीक है, सो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को जितने लोग बीएड सीटी 23 लिखने वाले हो। अपना एग्जाम 23rd and 25th of April है, तो रफली 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, 15-20 दिन का टाइम। तो 15-20 दिन के टाइम में आप मॉक को कैसे लिखोगे, लेट मी टॉक अबाउट दैट पार्ट। अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो उस हिसाब से वर्कआउट कर लेना, बट उसके पहले 24 की बैचेस वी हैव लॉन्च, सो यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर। मुंबई बेस अगर आप हो तो यू कैन विजिट आर सेंटर बोरीवली वसई दादर एंड थाने, और अगर आप मुंबई बेस नहीं हो तो लाइव क्लास यू कैन चेक इट आउट। बाकी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, बुक्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल प्रोग्राम, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। सो लेट स्टार्ट वन बाय वन हाउ टू गो अबाउट द मॉक टेस्ट। ओवरऑल मैन्यूअल के पोर्टल पर देर आर 10 मॉक टेस्ट, अपने को 100 क्वेश्चन है जो कि 90 मिनट्स में खत्म करना है आपका एक्चुअल एग्जाम का जो पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज अ गुड पार्ट। सो 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन अपने को खत्म करना है। ELCT में 50 मिनट्स का टाइम अलग से मिलेगा, ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स आपका ELCT चालू हो जाएगा, ठीक है, 5 मिनट का गैप मिलता है BEdCT के बाद। एंड ELCT के अंदर 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व करने हैं, तो मतलब यहाँ पे टाइम का तो कोई टेंशन ही नहीं है, काफ़ी टाइम में अगर आपको आता है तो आप अच्छा कर लोगे यहाँ पे। सो अपने पास नंबर ऑफ सेक्शन है लॉजिक, GK, टीचर एप्टीट्यूड, ठीक है। लॉजिक के आपके ओवरऑल जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन और GK के 30 क्वेश्चन, टीचर एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए जा रहे हो तो आपका 50 क्वेश्चन अलग से आएगा वो। तो ये तीन सेक्शन में अपने को कैसे वर्कआउट करना है, पहले BEdCT पे बात कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन लॉजिक के सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स का टाइम आई एम गिविंग यू। अगर आपको लगता है कम ज़्यादा टाइम करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 30 क्वेश्चन GK के लिए 10 मिनट्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट, एंड टीचर अपने 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट। तो ये मैंने टाइम दे दिया। अगर आपको लग रहा है टाइम मुझे टीचर अपने में ज़्यादा करना है, GK में ज़्यादा करना है या लॉजिक में कम करना है, तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर लो। ये मैंने एक जनरल टाइमलाइन दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होगा आपका, इसके अंदर टाइम अलॉटमेंट के अंदर भी आपको क्या करना है, राउंड वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री। ये राउंड वन में सारे इजी वाले क्वेश्चंस, जैसे ट्रेडिशनल लॉजिक, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सारे क्वेश्चंस। तो 15 मिनट का टाइम हमने यहाँ पे दे देना है। राउंड टू में वो जो टाइम लेने वाला है, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन 20 मिनट दे दो यहाँ पे, और बचा हुआ जो 5 मिनट है वो क्वेश्चन के लिए होगा जिसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है, टफ क्वेश्चन है, या तो आप वैसे भी छोड़ने वाले थे, ठीक है, तो वो राउंड थ्री में होगा, इसलिए इसको 5 मिनट का ही टाइम दे रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपने मार्क नहीं किया उसको मार्क कर देना है। दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर द लॉजिक। GK में दो राउंड ही रखो, राउंड वन, राउंड टू। राउंड वन जो आता है फटाफट मार्क करो, राउंड टू जो कन्फ्यूज हो या तो फिर बिल्कुल ही नहीं आता तो वहाँ पे तो तुक्का मटका मार के ही जाना पड़ेगा, या तो स्मार्ट गेस करके यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। टीचर एप्टीट्यूड में राउंड वन एंड राउंड टू, राउंड वन में सारे इजी वाले क्वेश्चन, राउंड टू में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है अगेन या तो फिर नहीं आता, राउंड टू के लिए रखो। तो यहाँ पे आप 20 मिनट्स दे दो, यहाँ पे आप 10 मिनट्स का टाइम दे दो, और GK के लिए 8 मिनट्स का टाइम एंड 2 मिनट्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट, राउंड वन में ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। तो ये राउंड वाइज आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश में अगेन आप राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री जा सकते हो। राउंड वन में सिंगल लाइनर वाले क्वेश्चन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, राउंड टू में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, एंड राउंड थ्री में पैराग्राफ, जंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है सब। और ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होगा, पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, या तो आप GK कर लो या तो आप टीचर एप्टीट्यूड कर लो। अगर आपने GK पहले किया तो सेकंड नंबर पे आपका टीचर एप्टीट्यूड करना है आपको अटेम्प्ट, अगर आपने पहले टीचर एप्टीट्यूड किया तो सेकंड नंबर पे GK अटेंड करना है, और लास्ट में अपना लॉजिक रखो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं टीचर एप्टीट्यूड में लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, मेरा स्कोर अच्छा बन रहा है, तो आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। जो भी आपको सूट होता है ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, आप अपने हिसाब से जाओ, नॉट एन इशू, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट द मॉक टेस्ट। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, टाइम अलॉटमेंट क्या दे रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखो ये टाइम देने के बाद भी अपने पास 10 मिनट का बफर मिल रहा है। 10 मिनट बफर इसलिए रखा है मैंने कि कोई क्वेश्चन में आपको मार्क फॉर रिव्यू किया है आपने तो एक बार उसको देख लो, कुछ क्वेश्चन अगर आपके छूट रहे हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो, तो 10 मिनट का बफर रखा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 5 मिनट का बफर मोर देन सफिशिएंट है, 5 मिनट मुझे कहीं और ऑक्यूपाइड करना है, यूज़ करना है, तो आप कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो BEdCT के बाद आपका फिर 5 मिनट के गैप के बाद ELCT का पेपर चालू होगा, 5 मिनट्स का गैप देते हैं वो, ठीक है।
तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट द मॉक टेस्ट। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो मेक श्योर वीडियो पूरे आपके मेनू के डैशबोर्ड पर वीडियोज है, फुल कोर्स वाला जो प्रोग्राम है वीडियो देख लेना फिर मॉक लिखना। एंड या मॉक में लास्ट में लिखूंगा, पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब लिखूंगा, वो नहीं करना। आज से मॉक चालू करो, पूरी पढ़ाई करके कभी नहीं होगा। थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई है, एक मॉक लिखो। अपने पास अगर मानते हैं 3 वीक का टाइम है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, सो अपने को एक मॉक इधर लिख देना है, दो मॉक इधर लिख देना है, बचे हुए 7 मॉक यहाँ पे लिख दो, या तो यहाँ पे 2 मॉक लिख दो, यहाँ पे 3, बचे हुए 5 यहाँ पे। तो इस तरह से अपने को मॉक को लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मंत्रास टू क्रैक एग्जामिनेशन। बट बिफोर दैट लेट मी गाइड यू अबाउट दी प्रोग्राम्स, मॉक टेस्ट, योर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, योर GK प्रोग्राम, और टू ज्वाइन महाराष्ट्र BEdCET मॉक प्रोग्राम एंड अदर कोर्सेस, लॉग ऑन टू menuedu.com ऑफिशियल वेबसाइट, बाय ऑनलाइन गो टू BEd एंट्रेंस। दिस इज वॉट द BEd एंट्रेंस, राइट। यहाँ पे मॉक टेस्ट में जाना है आपको। मॉक टेस्ट में आप जाओगे तो दिस इज वॉट द 6 सेक्शनल, 10 फुल लेंथ, 5 VLCET मॉक टेस्ट एंड योर टॉपिक टेस्ट, ठीक है। और अगर आपकी पढ़ाई जस्ट चालू कर रहे हो, वॉन्ट टू प्रिपेयर, वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल द वीडियोज, देन फुल कोर्स में जाके यू कैन टेक दिस प्रोग्राम, जिसके अंदर आपके वीडियोज आ जाएंगे, 300+ वीडियोज, हैंड आउट्स एंड मॉक टेस्ट। इसके साथ सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स लेना रहेगा, या बुक्स ऑर्डर कर लो, विदिन वर्किंग 7 डेज बुक आपके घर पे क्लियर हो जाएगी। अगर आप महाराष्ट्र में तो जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपका सिलेबस है जो आपको गो थ्रू करना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप वीडियो से पढ़ सकते हो, और ई बुक से प्रैक्टिस कर लो, या बुक से प्रैक्टिस कर लो और मॉक लिख लो। इसके साथ साथ टॉपिक टेस्ट एक लेना पड़ेगा आपको, टू प्रैक्टिस टॉपिक क्वेश्चंस, ठीक है। सो ई बुक के लिए यू कैन गो टू द बुक सेक्शन, दिस इज वॉट द बुक यू कैन ऑर्डर, विद इन वर्किंग 7 डेज इट विल गेट कुरियर टू योर होम, अदरवाइज ई बुक का भी एक्सेस यू कैन टेक, ओके। लाइकवाइज इफ यू विल गो बैक सेक्शनल कोर्स में, अगर आपका कोई सेक्शन वीक है, GK हो गया, लॉजिक हो गया, इंग्लिश हो गया, यू वॉन्ट टू रिवाइज क्रिटिकल रीजनिंग और टीचर अप्रूव्ड वर्कशॉप, सो यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम। इन सब का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मंत्रास। सबसे पहले यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट वाइल यू आर राइटिंग दी मॉक, बिकॉज होता क्या है कि हम मॉक लिख रहे हैं बट हम खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते, श्योर नहीं रहते, और उसके से मॉक खराब कर देते हैं। एक्चुअल एग्जाम की तरह आपका मॉक लिखो, मतलब आपका बेडरूम लॉक हो, वाटर बॉटल लेके बैठो, रफ पेपर लेके बैठो, और सीरियस तरीके से मॉक लिखो कि आपका एक्चुअल CET का एग्जाम्स है, ठीक है। एंड राइट दी मॉक टेस्ट विद अचीवेबल एटीट्यूड, लाइक मुझे BTTC जाना है, मुझे सेंट जेवियर जाना है, या दूसरे अच्छे जो BEd के कॉलेज है वहाँ पे मुझे एडमिशन लेना है, तो मेरा स्कोर तो पक्का आएगा ही आएगा BEdCET के एग्जाम में। ये एटीट्यूड होगा आपका तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर लेके आओगे एक्चुअल एग्जाम में। CET साल में एक ही बार होता है, सो मेक श्योर अच्छी प्रिपरेशन हो, अच्छा स्कोर आए और अच्छा कॉलेज मिले। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये वीडियो को शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट उनको भी समझ में आए कि मुझे मॉक कैसे लिखना है, ठीक है। बाकी कुछ डाउट एंड क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। एंड फॉर द कोर्सेस, मॉक टेस्ट वगैरह, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।